मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि इस बार मैं जी भाई के मदीना देख। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज है जुमे का दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी को तहे दिल से जुमा मुबारक हो। दोस्तों, बात करेंगे सिहाब चित्तूर को लेकर। सिहाब चित्तूर भाई की लाइव लोकेशन क्या है, सिहाब चित्तूर भाई किस जगह पर मौजूद है, सिहाब चित्तूर भाई ने जुमे की नमाज कहाँ पर अदा की, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी अच्छी अपडेट मिलेगी और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो को मिस मत करना। इस वीडियो में जो है बताएंगे कि सिहाब भाई का जो सफ़र है कहां तक पहुंचा है और कितना सफ़र अभी भी बाकी है, सिहाब भाई यहां से किस जगह पर जाएंगे, सिहाब भाई क्या क्या करेंगे आगे जाकर, काफ़ी भी अपडेट जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी मेरे दोस्तों। एक बार ये वीडियो देखिए दोस्तों, हमारे भाई हैं और उन्होंने जो है ये वीडियो बनाई दोस्तों, और सिहाब भाई के हवाले से काफ़ी अच्छी अपडेट इस वीडियो में दी दोस्तों। एक बार आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद दोस्तों आपको पूरी अपडेट पूरी लोकेशन जो है इस वीडियो में देंगे इंशाल्लाह मेरे दोस्तों। इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना अभी। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। दोस्तों देखिए एक बार ये वो मस्जिद है, जब लोग हज या उमरा के लिए जाते हैं तो यहाँ से एहराम बांधा जाता है और यहाँ दो रकात नफिल एहराम के पढ़ के यहाँ से नियत की जाती है उमरे के लिए या हज के लिए जाते हैं। जब एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त हरम से चले और शाम जो असर के टाइम यहाँ पहुंचे, असर की नमाज यहाँ पढ़ी, मगरिब की पढ़ी और इशा की पढ़ के फिर यहीं पर रात गुजारी और सुबह के वक्त फिर मक्का के लिए निकले। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है और जितने भी हाजी लोग या उमरे पे जाने वाले हैं मदीने से, वो यहीं से एहराम बांध के यहीं से नियत करते हैं। ये देखिए मस्जिद का अंदर से है, ये जो बीच में बना हुआ है यहीं पे एक पेड़ होता था, पहले दरख्त होता था, तो इसलिए से मस्जिदुल सिजरा भी कहा जाता है। ये देखिए, और सिहाब भाई भी मक्का के लिए निकल गए हैं तो उन्होंने भी यहीं से एहराम बांधा है मस्जिद से, और वो कल मक्का के लिए निकल चुके थे। ये देखिए मस्जिद का अंदर से नजारा है, जहाँ ये बना हुआ है यहीं पे एक सजर पेड़ होता था, एक बहुत दरख्त था बहुत पुराना। सिहाब भाई जैसे ही मक्का पहुंचेंगे तो सबसे पहले उमरा करेंगे, उमरा करने के बाद फिर सफा मरवा, पहले तवाफ फिर सफा मरवा, उसके बाद बाल कटाने के बाद फिर एहराम खोलेंगे। दोस्तों ये थे हमारे दोस्त यानी फिरोज भाई जो सऊदी में रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं सिहाब भाई की अपडेट की। दोस्तों सिहाब भाई जद्दा रोड पर चल रहे हैं यानी मक्का के लिए। तो मेरे दोस्तों आज है 2 जून और सिहाब भाई ने दोस्तों आज भी तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र जो है कर लिया है। तो दोस्तों सिहाब भाई ने तकरीबन मदीना मुनव्वरा से आगे मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की दोस्तों, तकरीबन जो है 85 किलोमीटर आगे, यानी मदीना से 85 किलोमीटर आगे दोस्तों रोड के किनारे पर मस्जिद में सिहाब भाई ने जुमे की नमाज अदा की है। और दोस्तों बात करते हैं सिहाब भाई के सफ़र को लेकर। सिहाब भाई दोस्तों जद्दा रोड पर चल रहे हैं, ये तो आप सबने पता है दोस्तों। वहाँ से यानी जद्दा से पहले दोस्तों दो रास्ते जो है मक्का के लिए जाते हैं। एक रास्ता जाता है दोस्तों यम्बो के लिए यानी यम्बो रोड पर, और एक रास्ता जाता है दोस्तों जद्दा के लिए। अगर सिहाब भाई जद्दा से जाएंगे तो दोस्तों सिहाब भाई को 15-20 किलोमीटर का फ़ायदा होगा, यानी इस साइड कम चलना होगा। अगर सिहाब भाई दोस्तों यम्बो के लिए जाएंगे तो वहाँ 20-25 किलोमीटर जो है सिहाब भाई को ज़्यादा चलना होगा। और दोस्तों सिहाब भाई तकरीबन जो है अब 310 से 315 किलोमीटर पीछे हैं दोस्तों, और सिहाब भाई आप सभी की दुआओं से प्यार से मोहब्बत से जो है मक्का की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बीच बीच में जो दोस्तों जो सिहाब भाई के मिलने वाले हैं जानने वाले हैं, जो सिहाब भाई को जानते हैं, यानी सिहाब भाई एक फेमस बंदे हैं ये तो आप जानते ही हैं, वो सिहाब भाई का जो है इस्तकबाल वेलकम कर रहे हैं यानी बीच बीच में। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था आप सब के लिए। खुशखबरी ये है कि सिहाब भाई दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अच्छे हैं और माशाल्लाह से सफ़र कर रहे हैं और जद्दा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बस आप सब उनके लिए दुआएं करते रहे, जैसे भी कोई अपडेट आएगी। हमारे दोस्त हैं वहाँ पर काफ़ी, मन्नी भाई हैं, मन्नी भाई की जो लोकेशन है दोस्तों मदीना की है, और जुमे की नमाज भी मन्नी भाई ने जो है
यानी मदीना मुनव्वरा में अदा की मस्जिद नबवी में। तो मेरे दोस्तों जो भी अपडेट आएगी मन्नी भाई तुरंत जो है हमें बताएंगे। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।